गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको कंटिन्यू वीडियो में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.9 है। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, वो भी न्यू एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कट हो चुके हैं पुरानी बुक से कुछ चैप्टर में। तो ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन का सीरियल नंबर कुछ और बता रहे हैं और आप लोगों की बुक में कुछ और हो, है ना। तो न्यू बुक में जो क्वेश्चन नंबर है वो 4.9 है, उसको 4.9 में फार्मूला क्या अप्लाई होगा, उस फार्मूला को अलग से यदि आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस फार्मूला डेरिवेशन को अलग से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम उस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा उसको अप्लाई करके उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न 4.9, ठीक है। 4.9 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हम 4.9 को क्वेश्चन लिख नहीं रहे। पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे 12th क्लास के, तो उनके पास बुक तो होगी, तभी वो देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 4.9 में, पूरा क्वेश्चन ना लिखे, हम क्वेश्चन की पूरी मीनिंग समझा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि एक वर्गाकार कुंडली है, वर्ग के आकार की एक कुंडली है, उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। क्या एक वर्गाकार कुंडली है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसे ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो 0.8 टेस्ला है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसमें 226 चक्कर लगाए गए हैं तार के। वर्गाकार कुंडली में चक्कर कितने हैं तार के, 20। अभी हम डायग्राम से भी दिखा देंगे। अब कुंडली के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है वो 30 अंश है, तो उस पर लगने वाला बल युग्मा घूर्ण क्या होगा। प्रश्न फिर से सुनिए, एक वर्गाकार कुंडली जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें 20 कुंडली में 20 फेरे हैं और उसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.8 टेस्ला है और कुंडली के तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 30 अंश है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी दिया गया है, और उस धारा का मान जो है 12 एम्पियर है। तो बताइए उस पर लगने वाला बल युग्मा घूर्ण कितना होगा। कुछ इस प्रकार से है, देखिए, ये एक वर्गाकार कुंडली है, ठीक। ये वर्गाकार कुंडली को प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 0.8 टेस्ला है, ठीक। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I जो है वो 12 एम्पियर है, और इसमें जो फेरे लगाए गए हैं, N बराबर कितने दिया गया है, 20 फेरे, N 20 फेरे। इसमें एक अभिलंब खींचा गया है, ये अभिलंब है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण जो है वो 30 अंश। ये इस प्रकार से है, ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0.8 टेस्ला है,
अजीब वर्गाकार कुंडली है, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई है। अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 30 अंश है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है 12 एम्पियर है। इसमें कितने फेरे ऐसे लगाए गए हैं? 20 फेरे लगाए गए, ठीक है ना। तो ये बताना है कि इस पर लगने वाला बल्युम आघूर्ण कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कुंडली कैसी है वर्गाकार, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, उसमें फेरे कितने हैं? 20 फेरे हैं। धारा कितनी है? 12 एम्पियर की है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0.8 टेस्ला है। और अभी कुंडली तल के अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण ये है। बल्युम आघूर्ण टाउ का मान क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है ना। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है, इसमें भी बराबर 0.8 टेस्ला, आई बराबर 12 एम्पियर, फेरों संख्यायन बराबर 30, मीटर बराबर 30, और भुजा 10 सेंटीमीटर बराबर 10 × 10⁻², यानी 10⁻¹ मीटर। टाउ ज्ञात करना, बल्युम आघूर्ण टाउ होता है, इसका फार्मूला होता है बल्युम आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब यन क्या है? फेरों की संख्या। यन क्या है? फेरों की संख्या। यन फेरों की संख्या है, आई धारा है, ये क्षेत्रफल है, बीच की क्षेत्र है, और थीटा क्या है? अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना हुआ कोण, ठीक है। अब इस फार्मूला में सभी मानों को रखना, ठीक है ना। तो ये सभी मानों को रख देते हैं इस फार्मूला में, देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 12 × 24 = 240, 10⁻², 0.8 साइन 30 का मान 1/2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 10⁻², ये 0.4, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटू कर देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका 1 जीरो इससे हटा देते, तो ये हो जाएगा 24 × 10⁻²। Yeah.
विषयों को शांत है। इस पॉइंट को भी हटा 0.96 न्यूटन इंटू मीटर, ये हो जाएगा इतना, इसमें इतना हो जाएगा इस वाली गुणों का मान। ठीक है, क्या कहा हमने, एक वर्गाकार कुंडली है, उसकी भुजा की लंबाई दिया है, फेरों की संख्या दिया है, उसमें प्रवाहित धारा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दिया है, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के साथ बना कोण दिया है, बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करना है, उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, तो टाउ बराबर फार्मूला होता है या ना, ये भी साइन थीटा। अब ये क्या है, भुजा है, आयताकार होता तो लंबाई चौड़ाई दिया होता, ये वर्गाकार है तो एक भुजा दिया गया है, और क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है ना, और ये सेंटीमीटर में तो मीटर बना दिया या साइज पर हमने पूरा साल कर दिया। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। इस फार्मूला को यदि आप जानना चाहते हैं तो वो फार्मूला जो यूज किया गया है वो फार्मूला कहाँ से आया, तो वो प्ले लिस्ट में जा करके आप 4 चैप्टर में उसको आप देख सकते हैं वो फार्मूला आया कहाँ से। और इस क्वेश्चन में तो सीधे आपको अप्लाई कर देना चाहे वो जहाँ से आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा, और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आप चैनल में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में सब कुछ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब अलग है, 11th class 12th class और बोर्ड एग्जाम वाले की तैयारी के लिए क्वार्टरली हाफ ईयरली की बोर्ड जो भी एग्जाम होते हैं उसी पर सभी पेपर का सलूशन भी उसमें उपलब्ध है, मिल जाए। थैंक यू।